दोस्तों फाइनली आज MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल रोम रोल आउट कर दी गई है रेडमी नोट 4 के लिए। जी हाँ दोस्तों, मिड नवंबर अभी आया नहीं है, उससे पहले ही रेडमी नोट 4 में जो है स्टेबल अपडेट आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आने वाले और डिवाइसेस के अंदर जैसे कि हो गए Redmi 5, Redmi 4 वगैरह, तो उनमें भी जल्दी से जल्दी अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं रेडमी 4 के स्टेबल अपडेट की, जिसका दोस्तों नेम है, बात कर लेते हैं, जो कि है वर्जन इसका 10.1.0 का, ठीक है। और ये स्टेबल अपडेट है, 302 MB इसका साइज़ है, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो जो MIUI 10 के चीज़ें हैं जैसे कि बीटा में थे वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो पोर्ट्रेट मोड इसके अंदर आपको देखने को मिल गया है, जो कि फ्रंट कैमरा में भी बैक कैमरा में पोर्ट्रेट मोड इसके अंदर जो है नहीं आया है, तो जो भी दूसरे अपडेट में जो आपको मिल सकता है, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड दोस्तों आ चुका है और जो भी फीचर्स हैं MIUI 10 के वो भी आपको देखने को मिल गए हैं। दोस्तों ये रैंडम यूज़र्स को मिला है अभी ये अपडेट, दोस्तों आने वाले 5-6 दिन के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये अपडेट करना है स्टेबल अपडेट में, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो उसको आप वहाँ से जो है फ्लैश कर सकते हैं रेडमी नोट 4 में, ठीक है। तो ये अपडेट आ चुका है रेडमी नोट 4 में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी जो है Xiaomi रोल आउट करने वाला है और अपडेट जो कि और डिवाइसेस बचे हैं उनको, तो रेडमी नोट 4 को यहाँ से अपडेट मिल चुका है। अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।